हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज मीथेन इज प्रोड्यूस्ड इन, तो हमसे पूछा गया है मीथेन इनमें से किसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं या इनमें से किसमें प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम बात करें एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स की, तो बच्चों ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में देखने को मिलेंगे। सीवेज प्लांट्स में होते हैं और ये आपको ड्यूरिंग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपको ये इनका यूज़ होता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर का, जिसमें क्या होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं मीथेन। हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीज़ ये प्रोड्यूस करते हैं। तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भी मीथेन आपकी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये तो हमारा आंसर होगा। बायोगैस प्लांट की बात करें, तो बच्चों बायोगैस प्लांट में ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये भी मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और साथ में कुछ बायो प्रोडक्ट्स मीथेन के साथ, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको बायोगैस में भी इसका मतलब मीथेन मिल रही है, तो ये भी सही है। रुमिनेंट्स की बात करें, तो बच्चों रुमिनेंट्स क्या होते हैं, रुमिनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, रुमिनेंट्स बेसिकली हम काऊ, गोट, कैटल्स, जो भी ऑर्गेनिज्म जिसके भी गट में एक पार्ट होता है जिसे हम रुमेन बोल सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रुमिनेंट्स बोलते हैं। अब जो रूमिनेंट्स होते हैं इनके गट में मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं मीथेन। तो यहाँ पर इस इनमें भी मीथेन प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पर इन तीनों में मीथेन प्रोड्यूस हो रही है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।